आज 7 जून 2024 है और जो मैं मौसम का अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ लास्ट वीक से, तो उसमें आप समझ चुके होंगे कि कितनी गर्मी के बाद में अब बादल आ चुके हैं और बादलों के साथ साथ में प्रकृति की जो विभिन्न छटाएँ हैं उनका एक अवलोकन आप देख रहे हैं, उनका अवलोकन एक्चुअली कर रहे हैं आप। तो यहाँ प्रकृति के जो विभिन्न रंग हैं उन विभिन्न रंगों के साथ में प्रकृति के अंदर जो एक अक्षमता है, एक जो उसकी अपनी एक प्रकृति है स्वयं की, तो उसकी विभिन्न छटाएँ हैं और इन रंगों की छटाएँ भी जो है उसी से निर्मित हैं। तो यहाँ आज का जो मौसम है उसमें जो है सुबह का अभी सूर्य भगवान का जो है उदय हो जाएगा, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो प्रारंभ हो चुका है और आकाश में ये काले बादल छाए हुए हैं। इस तरफ ये लालिमा हल्की सी और ये फिर इस तरह से, अत्यंत जो है जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सुबह का समय जो है अभी जैसे 5:15 या 5:30 बजे होंगे, तो ये इस तरीके से मौसम है, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा अंधेरापन है। दूर आप जो है ना वो कसौली के जो पहाड़ी है ना उसको देख रहे हैं। कसौली यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो ये कसौली की पहाड़ी आप देख रहे हैं। ये वो मेन जो हिल है कसौली हिल, उसकी ये टॉप यहाँ से दिख रही है हल्का सा, और दूसरा अगर इस साइड को मैं और मूव करता हूँ तो धीरे से आपको एक और बैक साइड में हल्के हल्के जो है लोअर साइड में ये जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वो दिखाई देगी। तो ये बड़ा मनोरम दृश्य है कि यहाँ से जो ये टाउन है, इस टाउन से ये जब बरसात होगी या सर्दियों में तो बड़ा अच्छे से दिखाई पड़ती है, तो सनराइजिंग कुछ ही समय के बाद में हो जाएगा। और ये पर्वत श्रृंखला है, ये बादलों के अंदर विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन और ये सुबह अत्यंत ही आज जो है ठंडापन लेकर के है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो जो तपिश थी वातावरण के अंदर वो कुछ शांत हुई है। हल्की सी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन इस बारिश ने भी बड़ी एक शांति प्रदान कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो ज़मीन है वो उसके ऊपर बूंदें पड़ी हुई है, वो भीग चुकी है, गीली हो चुकी है। मनमोहक मधुर मधुर जो ज़मीन की खुशबू है, जो भूमि की खुशबू है, जो पृथ्वी से इस तरीके की जो ज़मीन है उससे सुगंध उठती है, तो वो उस तरीके की सुगंध अभी वातावरण के अंदर है। यहाँ लाल रंग जो है वो फैलने लगा है और इस साइड में जो है वैसे ही वो काले बादलों की सुगबुगाहट, बरसेंगे नहीं बरसेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि हाँ मौसम काफी ठंडा हो चुका है।
दूसरा ये भी है कि हो सकता है कि आप सुबह ना उठते हों, तो इस वीडियो को देख करके आप सुबह का एहसास कर सकते हैं। अगर सुबह उठ सकते हैं तो आप कितना सुबह उठते हैं? आप 4 बजे उठते हैं या 4 बजे से पहले उठते हैं? और फिर आपका रूटीन क्या है? मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा ट्राई किया है कि मैं सुबह की जो वीडियो है वो उसमें इंक्लूड कर लिया करूं, तो ऐसा मैंने सोचा है। और मेरा जो ये है उद्देश्य है वो ये है कि प्रकृति की जो विभिन्न ये जो रंग रंग दिखाई पड़ते हैं, इन रंगों ने मुझको प्रारंभ से ही जो है आकर्षित किया है, और उसी को मैं एक रिकॉर्ड के रूप में थोड़े दिनों के लिए रखना चाह रहा हूँ कि प्रकृति किस तरीके से सुबह के समय अपनी छटा बिखेरती है। और अब ये सूर्य भगवान का उदय होते हुए तो बिल्कुल ही जो है आप देख पाएंगे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतों के पीछे से सूर्य भगवान बिल्कुल जैसे बोलते हैं, बुक्स में हम पढ़ते हैं कि सूर्य भगवान के निकलने से पहले उनके वन देवता अपने साथ घोड़ों को लेकर के निकल जाते हैं, तो उसी तरह से जो है वो लाल रंग उस पहाड़ के पीछे फैल चुका है। यहाँ देखिए बिल्कुल एकदम कैमरे से शायद उतना अच्छा ना आए, लेकिन ये जो लाल रंग है ना, ये जिस तरीके से बताया जाता है उसी तरीके से ये यहाँ आप देख सकते हैं आकाश के अंदर अभी वो बिल्कुल एकदम लाल रंग, हल्का हल्का गुलाबी रंग ये आ चुका है। और अब कुछ ही समय के बाद में सूर्य भगवान जो है वो प्रकृति में दिखाई पड़ेंगे, यहाँ इस जगह जहाँ अब हम हैं वहाँ दिखाई पड़ेंगे। और ये भी एक अजीब स्थिति है कि जहाँ अभी हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो उत्तर भारत में जो सूर्य भगवान का दर्शन है वो हिमालय पर्वतों के पीछे से होता है, लेकिन दूसरी स्थिति में अगर हम जो है वो अब वेस्ट की साइड में चले जाएं, मुंबई साइड में या साउथ में चले जाएं, थोड़ा सा या फिर उड़ीसा की तरफ चले जाएं, तो सूर्य भगवान के जो दर्शन है वो समुद्र के सतह से जो उसका होरिजन है वहाँ से वो निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ उत्तर भारत में वो पर्वतों के पीछे। तो प्रकृति का एक अलग ही जो है उसका एक नियम है, उसका एक अलग ही अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में उत्तर भारत में है तो वो हिमालय के पीछे से, अगर आप वेस्ट साउथ में हैं या पूर्वी जो हमारे प्रदेश हैं उड़ीसा बंगाल उधर देखते हैं तो वो समुद्र से के उस छोर से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं सुबह को। लेकिन कोई भी जगह हो, भारत के अंदर, भारत एक विभिन्नता का देश है और उसके अंदर प्रकृति के विभिन्न रूप और विभिन्न स्वरूपों के साथ हम रहते हैं, तो ये पूर्ण रूप से जो है लालिमा उस जगह पर फैल चुकी है। दूसरी जगह देखें तो इतना नहीं है, लेकिन अभी जैसा शास्त्रों में लिखते हैं कि सूर्य भगवान से पहले सूर्य वरुण देवता 7 घोड़े लेकर के निकल जाते हैं, तो उसी तरह से ये छटा अभी यहाँ बिखर चुकी है, हल्के हल्के रंग जो है वो आ चुके हैं। और इस तरह से हम सूर्य भगवान के दर्शन अभी कुछ देर के बाद कर लेंगे। सूर्य, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जब सनराइज होता है तो सूर्य को सूर्य भगवान क्यों बोलता हूँ? एक्चुअली भगवान का पर्पज ये है कि सूर्य देवता जो है हम लोगों की प्रकृति को एक तरीके का कर्म प्रदान करते हैं, और सूर्य की जो प्रकाश है उसके द्वारा जो संश्लेषण की प्रक्रिया है प्रकृति के अंदर पौधों के अंदर, उससे एक प्रकर्म जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये अब किसी भी समय जो है इतनी सूर्य भगवान के अब जो हैं वो दर्शन होंगे मेरे साथ में, आप भी उसका आनंद लीजिए। और अगर आप ये किसी भी समय वीडियो देख रहे हैं तो जो सुबह है उसको एंजॉय कीजिए, उसका एक आनंद लीजिए कि प्रकृति किस तरह से अपनी छटाएं बिखेर देती है, उसकी छटाओं में विभिन्न प्रकार के रंग हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्थिति हैं, जैसे
रंगों के साथ साथ में मैं अभी बोल रहा था कि उत्तर भारत में सूर्य भगवान का जो उदय होगा वो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ जो हैं उसके पीछे से होगा, दूसरी ओर जो समुद्र के नियर बाई प्लेसेस हैं वहाँ से वो समुद्र के दूसरे छोर से अपना उदय स्थान दिखाएंगे। तो ये है तो एक मतलब देखने का जो हम लोगों को बोलते हैं कि नज़रिया है कि हमको इधर से दिखाई पड़े उनको उधर से, सत्य तो ये नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। तो उस सत्यता की ओर ना बढ़ते हुए जो हमको इस समय दिखाई पड़ा है उसी को सत्य मानते हुए इसका आनंद लें और ये प्रकृति का जो विभिन्न रंगों की अंदर ये हमको प्रदान किए हुए हैं उसको, उसका हम संपूर्ण रूप से जो है वो आनंद लें। जय जय श्री राधे। और कैमरे से और आँख के द्वारा जो वस्तु स्थिति है उसमें सदैव अंतर रहेगा। इन रंगों को कोई एक कलाकार कैनवास पर उभार सकता है लेकिन उन्हीं रंग के अंदर छोटा छोटा जो आपको एक पतली सी बादलों की लाइन दिखाई देती है, मोटी लाइन के ऊपर एक लाइन और है जो बहुत ही शानदार रूप से चमक रही है, वैसे ही ये नीचे की साइड में जो छोटी छोटी लेयर हैं वो अनुभव कराती हैं प्रकृति की अपनी, उसकी जो उसके अंदर एक जो परफेक्ट जिसको बोलना चाहिए एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, उससे ज़्यादा उन्नत कलाकार कोई नहीं हो सकता। प्रकृति अपने आप में एक उत्तम कलाकार है और प्रकृति ही हम लोगों को प्रेरणा दे करके एक स्थिति प्रदान करती है। तो सूर्य भगवान का उदय हो चुका है, बादलों के कारण अभी वो जो है पीछे की साइड में, लेकिन फिर भी अपना प्रकाश वो बिखेर चुके हैं और वो प्रकीर्णन के द्वारा आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से आकाश के अंदर जो है अब व्यवस्था प्रकाश की हो चुकी है, नीला रंग दिखाई पड़ने लगा है, इस साइड में बादल भी बहुत ही सुंदर जो है बादलों का दृश्य। और इधर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर की साइड में ये कसौली की जो हिल्स हैं वो दिखाई पड़ सकती है, बहुत ही हल्के से आपको दिखाई पड़ेगी जो नीचे की साइड में। तो अब सूर्य भगवान जो है आप देख सकते हैं और उनके नीचे की साइड में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो आज दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत ही एक मनोरम, बहुत ही अत्यंत आज पर्वत श्रृंखलाएँ मिलकर के इस वातावरण के साथ में एक सुखद अनुभव प्रदान कर रही हैं। तो आज की वीडियो में बस जो मेरा लक्ष्य था वो इतना ही था कि सूर्य भगवान का जो है मैं उदय देख पाऊँ और साथ में उस मनोरम दृश्य को चाहे आप जिस समय भी उसको देखें आपके साथ में मैं साझा कर पाऊँ। तो सुबह की जो है नमस्ते है, नमस्कार है, प्रणाम है, राधे राधे, जय श्री राधे। और यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो एक बार ज़रूर जो भी जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं राम राम लिखें, राधे राधे लिखें, हरे कृष्णा लिखें, जय श्री राम लिखें, राधे राधे।